हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू दिस इज नवीन राणा दोस्तों उत्तराखंड एग्जाम इंटर के ऑनलाइन कोर्स में ही आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो जल्दी से सभी ज्वाइन हो जाएं और जो एक बार ज्वाइन हो चुके हैं एक बार कमेंट करके बता दीजिए आप सभी को प्रॉपर वॉइस आ रही है स्क्रीन बिल्कुल क्लियर है सभी को गुड मॉर्निंग अनिल जी भावना जी रितु जी सभी को गुड मॉर्निंग एक बार सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए कि आप लोग ज्वाइन हो गए हैं अंकित कुमार जी सभी लोग कमेंट करके बताए एक बारी कि आप लोग ज्वाइन हो चुके हैं और आपको वॉइस बिल्कुल क्लियर है तो चलिए ठीक है आप सभी के कमेंट्स मैं देख पा रहा हूँ अभिषेक जी नेहा जी आ, प्रिया जी करण जोशी जी सभी को गुड मॉर्निंग तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को हमारा जो टॉपिक है आज इंडियन हिस्ट्री से हम शुरू कर रहे हैं और इंडियन हिस्ट्री में आप समझते हैं तीन पार्ट होते हैं एक एंशियंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत का इतिहास मध्यकालीन यानी कि मेडिएवल हिस्ट्री और हमारा मॉडर्न हिस्ट्री जिसमें हम कहते हैं आधुनिक इतिहास है ना तो हम शुरू कर रहे हैं प्राचीन भारत से ठीक है एंशियंट हिस्ट्री से हम शुरू कर रहे हैं तो चलिए स्टार्ट करते आपका पहला सेशन है ठीक है तो पढ़ते हैं आगे प्राचीन भारत के इतिहास को जब हम पढ़ रहे हैं तो हम पहले तो यही जानेंगे ना हमारा इतिहास जो है ये स्रोत कैसे पता चला हमें इसके बार हमारा जो प्राचीन भारत का इतिहास है इसके सोर्स क्या है हमारे पास उनको हम यहाँ पर समझने वाले पहले ठीक है तो यही हमारा आज का टॉपिक है भारतीय इतिहास के स्रोत क्या क्या स्रोत है हमारे पास ठीक है तो इसको अलग अलग वर्गो में विभाजित किया गया है तो उन्हीं को हम देखते हैं तो देखो जो हमारे ऐतिहासिक स्रोत है इनका वर्गीकरण क्लासिफिकेशन अगर हम करते हैं तो दो टाइप से करते हैं हम ठीक है ऐतिहासिक स्रोतों का एक है साहित्यिक स्रोत और एक है पुरातात्विक स्रोत ध्यान से समझिए हम पढ़ क्या रहे हैं हम पढ़ रहे हैं हमारा जो भारतीय इतिहास है इसके क्या सोर्स हमें मिले कैसे पता चला हमारे इतिहास के बारे में कहा से हमें जानकारी मिली हमारे इतिहास के बारे में वो हम आज जानेंगे तो जो हमें जानकारी मिली है वो दो टाइप से मिली है एक तो साहित्यिक स्रोत है और एक हमारा पुरातात्विक स्रोत है ठीक है अब साहित्यिक स्रोत क्या है और पुरातात्विक स्रोत क्या है इनको हम अच्छे से समझ लेते हैं साहित्यिक स्रोत का मतलब क्या हुआ जो कि कुछ कोई मतलब लिखा गया है जो साहित्य में कुछ लिखा गया है साहित्यिक आएं में आएंगे पुरातात्विक में क्या आ जाएगा जैसे कोई पत्थर हो सकता है या आपका अभिलेख हो सकता है कोई उत्खनन से जो मिला हुआ अभी अभिलेख हो सकता है या कुछ वस्तु हो सकती है, है ना कोई सिक्का हो सकता है या मूर्तिकला हो गया चित्रकला हो गया ये सब पुरातात्विक स्रोत में आएंगे ठीक है तो हम बात करते हैं पहले साहित्यिक स्रोत की देखो साहित्यिक स्रोत में एक आता है धार्मिक साहित्य ठीक है धार्मिक साहित्य एक आता है धर्मेतर साहित्य और एक आता है विदेशी साहित्य देखो अच्छे से समझे इस बात को हम क्या पढ़ रहे हैं जो हमारा इतिहास है इसके स्रोत पढ़ रहे हैं कहाँ से हमें हमारे इतिहास के बारे में जानकारी मिली है तो हमने इसको दो भागों में पढ़ रहे हैं साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत ठीक है अब साहित्यिक स्रोत में एक है धार्मिक स्रोत ठीक धार्मिक साहित्य यहां से हमें जानकारी मिलती एक है धर्मेतर साहित्य अच्छा धार्मिक साहित्य और धर्मेतर साहित्य में क्या अंतर है धार्मिक साहित्य के अंदर वो आ गया जो धर्म विशेष भिसे, धर्म विशेष के प्रचार प्रसार के लिए जो लिखा गया होगा है ना अपने अपने धर्म का जैसे कि हम कह सकते हैं जैन धर्म हो गया बौद्ध धर्म हो गया या ब्राह्मण साहित्य तो अपने धर्म से रिलेटेड जो है उसका प्रचार प्रसार करने के लिए लिखा गया है वो आएंगे धार्मिक साहित्य में दूसरा है साथी। धर्मेतर साहित्य धर्मेतर साहित्य मतलब धर्म से इतर मतलब जो धर्म से हटकर है वो जो साहित्य लिखे गए हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे ठीक है और तीसरा है विदेशी विदेशी साहित्य या यात्री जो हमारे भारत में में आए होंगे उन्होंने भी तो कुछ अपने अपने यात्रा वृतांत लिखा है यात्रा वृतांत मतलब जब वो आए हैं तो अपना पूरा जो लिखते थे वो जो मतलब पूरी यात्रा का विवरण जो लिखते थे उसको हम यात्रा वृतांत कहते हैं तो जो विदेशी यात्री हमारे यहाँ बहुत सारे आए हैं उनके बारे में हम यहाँ पर उन उनकी जो लिखत लिखा गया उनका जो रचना है या कोई भी जो है बुक एविडेंस वो हमें यहाँ से जानकारी देता है हमारे इतिहास के बारे में तो तीन हम जानेंगे साहित्यिक स्रोत में सबसे पहले बात करते हैं धार्मिक स्रोत धार्मिक स्रोत में हमें क्या क्या हो सकते हैं वेदों से हमें पता चला है ना ब्राह्मण ग्रंथ में हम पढ़ते हैं आरण्यक हो गए उपनिषद वेदांग पुराण इन सबको मैं एक उसमें ले रहा हूं ठीक है इतने वेद ब्राह्मण ग्रंथ आरण्यक उपनिषद वेदांग पुराण इनको मैं एक नाम दे रहा हूं ब्राह्मण साहित्य ठीक है क्या नाम दे रहा हूँ ब्राह्मण साहित्य नाम दे रहा हूं ठीक है क्योंकि ये सारे हमारे जो है लगभग ब्राह्मण साहित्य में आ गए एक है हमारा बौद्ध साहित्य और एक है जैन साहित्य आप बात समझ पा रहे हैं एक बार दोबारा समझ लीजिए हम बात कर रहे हैं हमारे भारतीय इतिहास के बारे में कहाँ से हमें सोर्स पता चलता है हमारे इतिहास के बारे में तो दो टाइप के सोर्स मिलते हैं हमें एक तो साहित्यिक सोर्स मिलते हैं और एक पुरातात्विक सोर्स मिलते हैं साहित्यिक सोर्स में हम तीन प्रकार से देख पा रहे हैं तीन भागों में हम इसको समझेंगे एक तो वो सोर्स जो धर्म धार्मिक साहित्य लिखा गया है जिसमें हमारे वेद हो गया ब्राह्मण इन सबसे हमें हमारे इतिहास के बारे में ही तो जानकारी मिल रही है है कि नहीं तो इनको हमने क्या रख दिया ब्राह्मण साहित्य में रख दिया इन सबको किनको ये वेद ब्राह्मण ग्रंथ उपनिषद वेदांग पुराण और एक है हमारा बौद्ध साहित्य और एक है जैन साहित्य यहां से हमें जान ये, इनको हमने धार्मिक के अंदर रख दिया दूसरा है धर्मेतर साहित्य धर्मेतर साहित्य की अगर हम बात करें तो यहाँ से भी हमें जो धर्म से अलग है उनकी द्वारा कुछ जो यहाँ पर लिखे गए कुछ पुस्तकें हैं वहां से हमें जानकारी मिल रही है जैसे कौटल्य जी का अर्थशास्त्र है अर्थशास्त्र किसके लिखे द्वारा किसके द्वारा लिखा गया कौटल्य जी के कलड़ की राज तिरंगणी है यहाँ से भी हमें जानकारी मिलती है पाणिनी की अष्टाध्यायी है यहाँ से हमें जानकारी मिलती है विशाख की मुद्रा राक्षस है देखो ये ना डायरेक्ट भी पूछता है एग्जाम में ये मुद्रा राक्षस जो है ये किसकी रचना है है ना तो ये आपको ध्यान रखने कालिदास की जैसे अभिज्ञान सांकुतलम हो गया मेघदूत हो गया मेघदूतम तो ये इन सभी से भी हमें जो है हमारे इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है तो इसको हमने धर्मेतर साहित्य के अंतर्गत रख दिया है समझ पा रहे हैं आप ठीक है अब आता हमारा तीसरा है विदेशी साहित्य विदेशी साहित्य में जो विदेशी यहाँ पर आए हैं उनको हम अलग अलग उसमें पढ़ते हैं जैसे कि हमने देखा एक है यूनानी वृतांत अब जो यूनानी से यूनानी लोग आए यूनानी में हम रोमन भी आता है भाई ठीक है जो रोमन के होंगे और इसमें ही हमारा ईरानी भी आता है ठीक है तो इसको हमने यूनानी नाम दे दिया रोमन ईरानी और यूनानी ये तीनों एक ही हो गए मतलब ठीक है ये एक ही क्षेत्र में से संबंधित था तो यहाँ से जो आए होंगे विदेशी उनके बारे में हम जानेंगे उन्होंने यहाँ पर कुछ लिखा होगा उनसे हमें जानकारी मिलती है चीनी साहित्य से जानेंगे फिर वैसे सिंहली साहित्य सिंहली साहित्य का मतलब है जो पहले जो श्रीलंका था उसको ना सिंहली देश कहते थे सिंहल देश कहते थे उसको तो ये जो सिंहली साहित्य है ये श्रीलंका से संबंधित है राइट तो ये उसके बारे में हमें जानकारी देता है और तीसरा है नेपाली साहित्य इसके अलावा तिब्बती साहित्य हो गया है ना तो जो जो यहां यहां से होंगे उन्होंने भी कुछ ना कुछ लिखा है और उनसे हमें जानकारी मिल जाती है हमारे इतिहास को समझने के बारे में क्या आपको यहां तक की बातें क्लियर हो गई है ठीक है अब देखो आगे अब हम बात करते हैं पुरातात्विक साहित्य देखो पुरातात्विक साहित्य में क्या है यहां से हमें क्या क्या प्राप्त होता है जैसे कुछ अभिलेख अभिलेख हमें मिले हैं अभिलेख की मैं बात करूं तो सबसे प्राचीन अभिलेख जो है वो किसका है वो अशोक का है अशोक का जो सबसे प्राचीन अभिलेख है ना किसका है अशोक का है तो अभिलेख आप समझते हैं ना अभिलेख क्या होता है अभिलेख मतलब कोई पत्थर पर लिखा गया हो है ना या कोई पत्थर कह सकते हैं या कोई लोहे का जो इस प्रकार से बना हुआ स्तंभ रहता है उसको भी हम इसमें रख सकते हैं ठीक है तो पहले जो है कहीं पत्थरों पर लिखा जाता है या हम कह सकते हैं चट्टानों पर लिखा जाता या फिर कोई इस प्रकार से वो बनाया जाता पूल है ना उसपे लिखा जाता था तो ये सारे हम अभिलेख के अंतर्गत इनको रखते हैं ठीक है हालांकि हमने सारो इन सबको अच्छे से आगे समझना है वैसे ठीक है वास्तुकला हो गया जैसे अब वास्तुकला में क्या हो गया जैसे कोई मंदिर है मस्जिद है ये हमें जानकारी अरे पहले के बहुत सारे मंदिर मस्जिद बने हुए हैं तो वहां से भी तो हमें जानकारी मिलती है हमारे इतिहास को समझने की है ना तो ये हो गया इसके अलावा यहाँ भगनावशेष भगनावशेष ही होते जैसे कोई पुराना भवन है टूटा हुआ उसके अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं तो उनसे भी हमें जानकारी मिलती है है ना उत्खनन हो गया उत्खनन से भी उन उत्खनन के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल दू तो सिंधु घाटी सभ्यता आप, आपको पता है पूरा खुदाई से ही प्राप्त हुआ है है ना तो खुदाई से जो प्राप्त वस्तु है वो हम उत्खनन में रखते हैं ठीक है तो ये सिंधु सिंधु सभ्यता आप जब पढ़ेंगे आगे तो वो पूरा का पूरा एग्जाम्पल उत्खनन का ही है सिक्के हो गए अलग अलग प्रकार के सिक्के हमें प्राप्त हुए हैं है ना जिसे अगर मैं छठी शताब्दी की बात करू अः छठी शताब्दी की अगर मैं बात करूं उस समय बहुत सारे जो है सिक्के चलाए गए थे जिसको आहत कहा गया पंचमार्ग कहा गया है ना तो ये आपको इस इससे भी हमें जानकारी मिलती है हमारे इतिहास के बारे में है कि नहीं इसके अलावा जैसे देखो अगर मैं बात करूं समुद्र गुप्त की तो कैसे पता चला हमारे कि भाई उसको बीणा बजाना आता था कहीं ना कहीं सिक्कों पर वो बीणा बजाते हुए दिख रहा था हमें तो उससे हमने आइडिया लगा दिया है ना तो ये हमें एक इतिहास को बता रहे हैं ना ये चीजें मूर्ति कला होगी जैसे कि मूर्ति कला जो कुछ धातु की बनी हुई थी मिट्टी की हमें मूर्ति प्राप्त होती है जिससे हमें हमें हमारे इतिहास के बारे में जान में जानकारी मिलती है चित्रकला आ गया जैसे कि एलोरा ये सारी हमें देखने को मिल जाती है ठीक है तो यहाँ पर जो सिक्कों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा सोने के सिक्के देखो तीन टाइप के सिक्के हमें ज्यादातर हमारे इतिहास को जानने में जा हेल्प करते हैं सोने के सिक्के हो गए चांदी के सिक्के होगे जब आप इतिहास पढ़ते सोने चांदी और तांबे के ये सिक्के है तो हमें क्वेश्चन एक क्वेश्चन तो ये पूछता है कि सबसे पहले जो है सोने के सिक्के किसने जारी किए तो यूनानियों ने किया था किसने किया था यूनानियों ने सबसे पहले जो है सोने के सिक्के जारी किए थे दूसरा क्वेश्चन बनता है कि सबसे शुद्धता आकार प्रकार में जो सिक्के जारी किए थे वो किसने किए थे तो कुषाणों ने किए थे किसने किए थे कुषाणों ने देखो भाई ये चीजें ना आपको खुद से लिखनी है क्या लिखनी खुद से इनको लिखना है जो चीज मैं बोल रहा हूं हर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो उनको आपको खुद से लिखना है तो जैसे यहाँ पर मैंने सोने के आगे यूनानी लिखा तो आपको पता होना चाहिए अभी तो आपने सुन लिया कि भाई ये यूनानी है जिन्होंने सबसे पहले जारी किए थे सोने के सिक्के तो अभी तो याद है यूनानी बट बाद में आपको पता नहीं चलेगा यूनानी क्यों लिखा होगा मैंने सोने के आगे है ना तो इसके आगे लिख लें हल्के में अपने हिसाब से सबसे पहले जो है जारी किए हैं दूसरा मैंने कहा कि कुषाण क्या बोला मैंने तो कुषाण सबसे शुद्ध जो सोने के सिक्के शुद्ध सोने के सिक्के आकार प्रकार में समझ रहे हैं मतलब जिनकी बनावट बहुत अच्छी तरीके से की गई होगी तो शुद्ध सोने के आकार प्रकार में देखा जाए तो कुषाणों के टाइम में था तो इससे हम क्या लगा सकते कुथाड़ो सॉरी कुशाणों की जो आर्थिक स्थिति होगी ना बहुत बेहतर रही होगी तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे ज्यादा सिक्के किसने जारी किए सबसे ज्यादा तो सबसे ज्यादा जो सिक्के जारी हुए थे वो गुप्तों के टाइम पे हुए थे इनके गुप्तों के टाइम पे करेक्ट है तो ये तीन क्वेश्चन सोने के सिक्के से बन जाते हैं भाई तो ये आपको ध्यान रखना बहुत पूछते हैं इसलिए मैंने यहीं पे इनको बताना सही समझा तो यहां तक की चीजें आपको समझ आ गई हैं तो मैं आगे बढ़ता हूं अदरवाइज़ आपके कोई डाउट है तो यहाँ पर पूछ सकते हैं जल्दी से कमेंट करके बताएं आप लोग बातें क्लियर होगी जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताएं कि आप इस चीज को समझ पाए हैं हम पढ़ क्या रहे हैं हम ये <coughs> हम सिर्फ सम, अभी ये समझ रहे हैं कि हमारे इतिहास के बारे में हमें जानकारी कहां से मिलते हैं सोर्स क्या है हमारे इतिहास को जानने के दो टाइप के सोर्स हैं एक तो साहित्यिक सोर्स है और एक पुरातात्विक सोर्स है साहित्यिक सोर्स में हमें वेदों से पता चलता है ब्राह्मण साहित्य बोल दिया मैंने जिसको हमें बहुत साहित्य से जानकारी मिलती है हमारे इतिहास की जैन साहित्य से मिलती है और धर्मेतर साहित्य के अंतर्गत हमने इनको अलग कौटल्य के अड़सास्त से जानकारी मिलती है राज तरंगणी कल्हड़ की अष्टाध्यायी पारणिनी की मुद्रा राक्षसाग दत्त की कालिदास की इतनी रचनाएं इन सभी से हमें हमारे इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है अब हम आगे जानेंगे इनको खोल खोल के इनको पढ़ेंगे आगे क्या क्या जानकारी मिलती है हमें इनसे ठीक है तो चलो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम क्या बात करने वाले हैं अब ये हेडिंग को समझेंगे अच्छे से धार्मिक साहित्य इनको हम अच्छे से समझेंगे फिर हम धर्मित्व समझेंगे फिर विदेशी साहित्यों को आगे समझने वाले हैं ठीक है चलो आप बात करते हैं सबसे पहले देखो धार्मिक साहित्य की हम बात करते हैं धार्मिक साहित्य की अगर मैं बात करूं तो इसको इसको हमने तीन वहां पर मेन पॉइंट बात करी थी धार्मिक साहित्य में एक तो मैंने कहा था ब्राह्मण साहित्य एक बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य तो मैं यहाँ पर पहली हेडिंग डालता हूं ब्राह्मण साहित्य ठीक है आप घबराए नहीं जो अभी आ, आप लोग जैसे मैंने सिक्कों के बारे में बात करी आगे जब हम टॉपिक पे जाएंगे ना तो वहां पर तो हमें बहुत अच्छे से समझना है मैंने जैसे बोलो कुषाण तो कुषाण के टाइम पे भी मैं सिक्कों के बारे में बात कर रहा होगा गुप्त जब हम पढ़ेंगे वहां पर भी हम सिक्कों के बारे में बात करेंगे अभी तो मैं बस आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं समझ रहे हैं तो देखो ब्राह्मण साहित्य की अगर मैं बात करूं तो ब्राह्मण साहित्य जो है ये जो टाइम है ब्राह्मण साहित्य का ये, इसको हम दो भागों में पढ़ते हैं एक तो हम इसको वैदिक साहित्य में पढ़ते हैं वैदिक साहित्य और एक इसको हम पढ़ते हैं वेदांग क्या पढ़ते हैं वेदांग अब जो ये वैदिक साहित्य है ये भी दो भागों में बंट जाता है एक होता है ऋग्वैदिक साहित्य ठीक है एक आता है हमारा उत्तर वैदिक साहित्य आप बस ध्यान से सुनते रहिए आपको चीजें खुद ही आपको समझ में आने लगेगी ठीक है थोड़ा टाइम दीजिए अब देखो ये जो टाइम पीरियड है जो वैदिक साहित्य की मैं बात करूं देखो ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत मैंने दो भागों में पढ़ते हम इसको आगे जाकर हमने इसको पढ़ना है अच्छे से वैदिक साहित्य और वेदांग ठीक है वैदिक साहित्य भी दो भागों में बढ़ा है एक तो ऋग्वेद ऋग वैदिक साहित्य और उत्तर वैदिक साहित्य इनका जो टाइम पीरियड है वो है पंद्रह बीसी से लेकर के एक हजार बीसी तक बीसी समझते हैं ना आप सभी ठीक है बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व की बात हो रही है अभी ठीक है और इसमें हम जो है जानकारी मिलती है हमें ऋग्वेद के बारे में जानकारी मिलती है क्या मिलती है ऋग्वेद और जो हमारा उत्तर वैदिक साहित्य है इसका टाइम पीरियड है एक हजार बीस से लेकर के छह सौ बीस तक भाई ये अब हल्के में ये मत लेना कि हमें ये डेट हाँ बिल्कुल ये डेट भी पूछ लेता है भाई ईयर पूछा हुआ है एग्जाम में इसलिए मैं बता रहा हूँ पंद्रह सौ बीस से एक हजार बीसी तक का जो ऋग्वैदिक साहित्य है तो इसमें हमें जो है ऋग्वेद के बारे में जानकारी मिलती है और बाकी के जो तीन वेद बच गए हैं हमारे वेदों की संख्या कितनी होती है चार है हमारे है ना तो बाकी जो वेद हो गए ब्राह्मण ग्रंथ हो गए है ना और उपनिषद हो गए ये सब हमें इस वाले टाइम पीरियड में देखने को मिलता है उत्तर वैदिक साहित्य के अंतर्गत बात समझ पाए आप लोग ठीक है तो ये हम आगे जब हम इस टाइम पीरियड में पहुंचेंगे तो वहां पर हम इनको अच्छे से समझेंगे तो अभी हम बस इतना समझे कि जो हमें धार्मिक साहित्य के अंदर अंतर्गत हम बात कर रहे हैं ना वो हमने ब्राह्मण साहित्य पढ़ रहे हैं और ब्राह्मण साहित्य को हम अच्छे से समझेंगे इस टाइम पीरियड के दौरान और इसके अंतर्गत हम ऋग्वेद से हमें जो जानकारी मिली है है ना हमारे इतिहास को समझने के लिए और जो वेद है हमारे उनसे ब्राह्मण साहित्य उपनिषद हो गया हमारे वेदांग हो गया है ना ये सभी से हमें जानकारी मिलती है हमारे इतिहास के बारे में ये तो हो गया ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत दूसरा हमने बात करी थी बौद्ध साहित्य अब बौद्ध साहित्य के बारे में हमें बौद्ध साहित्य से हम हमारे क्या क्या जानकारी हमें प्राप्त होती है वो देखो अगर मैं बौद्ध साहित्य की बात करता हूं गौतम बुद्ध जी का नाम आपके सामने आता होगा जब हम बौद्ध साहित्य की बात करते हैं ठीक तो है तो बौद्ध साहित्य की में जो आपने त्रिपिटक नाम सुना होगा त्रिपिटक ये त्रिपिटक क्या होता है पिटक का मतलब होता है समूह समूह या कह सकते हैं आप या टोकरी कह सकते हैं टोकरी यानी कि तीन टोकरी है ना त्रिपिटक मतलब तीन टोकरी यानी कि समूह हो गया अब इस त्रिपिटक में तीन क्या क्या आते हैं इसको ध्यान से समझिएगा एक आते हैं हमारे त्रिपिटक देखो पहले ये पिटक का मतलब समझ लो अच्छे से पिटक का मतलब मैंने क्या कहा समूह या टोकरी और तीन जिसमें क्या है भगवान बुद्ध के मृत्यु के बाद उनकी जो शिक्षाएं थी ना उनका जो ज्ञान थे जो उन्होंने जानकारी दी थी उनका संकलन किया गया है इसमें त्रिपिटक में, में। बात समझ आए आपको जो गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का जो संकलन है वो पिटक में किया गया है वो तीन प्रकार से किया गया है तीन रूप में किया गया है जो हम जिसको हम त्रिपिटक कह रहे हैं समझ आई उनमें से कौन सा है एक है सूत पिटक ध्यान से सुनेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है एक है सूत पिटक दूसरा है विनय पिटक और तीसरा है अभिधम पिटक ठीक है ये तीन पिटक से हमें जानकारी मिलती है अब इन तीन पिटक में क्या क्या चीजें हैं वो भी आपको पता होना चाहिए सबसे पहले हम बात करते हैं सूद पिटक की सूद पिटक में हमें क्या जानकारी मिलती है सूद पिटक में जो है बौद्ध धर्म के यानी कि हम बात करें गौतम बुद्ध जी के जो है विचार और उपदेशों का संकलन है ध्यान से समझिएगा ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि गौतम बुद्ध के विचारों और उपदेशों का संकलन किसमें है फिर ऑप्शन देता है पीटक, पीटक और अभिदम पिटक तो आपको पता होना चाहिए ये हमारा आंसर होगा पिटक तो बौद्ध यानी कि गौतम बुद्ध के विचार उपदेशों का ठीक है है तो वो किस में है हमारा यह पिटक में क्लियर है दूसरा है अगर मैं बात करूं विनय पिटक की तो विनय पिटक में क्या है जो बौद्ध संघ में जो उनके कुछ नियम का, और कानून रहे होंगे उनका जो उल्लेख है ना वो विनय पिटक में जो बौद्ध संघ होते थे उनमें कुछ अनुशासन के लिए कुछ नियम और कानून बनाए गए थे तो उनका जो संकलन है वो इसमें किया गया उल्लेख जो है इसमें किया गया विनय पिटक में तो आप समझ गए, तो मैं लिख सकता हूं बौद्ध संघ के बौद्ध संघ के अनुशासन आप भी साथ साथ में कलम चलाते रहेंगे ठीक है अनुशासन नियम कानूनों का उल्लेख अभी लास्ट में क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको ठीक तो है तो ध्यान से सुनते रहिए तो ये चीज क्लियर हो गया ठीक है और तीसरा था जो है वह है अभिधम पिटक इसमें क्या है बौद्ध सिद्धांतों का दार्शनिक व्याख्या की गई है जो उनके कुछ सिद्धांत थे बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत थे उन सिद्धांतों की दार्शनिक व्याख्या की गई है क्या की गई है दार्शनिक व्याख्या की गई है तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं भाई क्लियर है तो आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि बौद्ध संघ के अनुशासन और नियम कानून का उल्लेख किस में मिलता है तो आपको ध्यान रखना है विनय पिटक ठीक है पिटक में क्या है बौद्ध ये गौतम बुद्ध जी के विचार और उपदेशों का संकलन है और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की दार्शनिक व्याख्या जो मिलती है वो अभिधम पिटक में मिलती है इतनी चीजें क्लियर हो गई अब इसमें कुछ और एडिशनल जानकारी सुन लीजिए जो ये सूत पिटक है जो ये सूत पिटक है इसका संकलन किसने किया था आनंद ने किया था किसने किया था, किस था? आनंद ने किया था ये आनंद कौन था भाई ये आपको अभी आगे जब हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म वहां पर अच्छे से समझेंगे बस अभी इतना याद रख लीजिएगा कि जो बौ सूत पिटक का जो संकलन किया था वो आनंद ने किया था विनय पिटक का जो संकलन किया था वो उपाली ने किया था किसने किया था उपाली ने किया था और जो अभिधम पिटक का जो संकलन किया था वो मोगलिपुत ने किया था क्या नाम हैोगलिपुतिस कौन था जब आप तीसरी बौद्ध संगीति पढ़ते ना तीसरी बौद्ध संगीति तो किसके टाइम पर हुई थी अशोक किस समय पर हुई थी किसने करवाई थी ये कौन थे अध्यक्ष थे तो इन्होंने जो है इसका संकलन किया है अभिधम पिटक का ठीक है तो अभिधम पिटक का जो संकलन हुआ है वो तीसरी बौद्ध संगीति के दौरान हुआ था किसके उसमें मोगली किया नीति तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखने इनमें से जो सबसे बड़ा और श्रेष्ठ जो माना जाता है पिटक वो कौन सा है वो सूत पिटक है ध्यान रखना इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं इसको भी नोट जरूर कर लीजिएगा ठीक है क्या कहा जो सबसे श्रेष्ठ कह सकता हूं मैं या फिर बड़ा वो कौन सा पिटक है इन तीनों में से सूत पिटक है सूत पिटक को जो है बौद्ध धर्म का इनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है देखो बहुत सारी चीजें ना लिखी नहीं जाती है समझ रहे हैं कुछ चीजें आपको सुन के खुद लिखना है ठीक है तो जैसे मैं यही बात बोल रहा हूं कि पिटक जो है बौद्ध धर्म का इनसाइक्लोपीडिया इसको कहा जाता है पिटक इतनी चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए ठीक है यहां तक डन है इसके अलावा कुछ और बात अगर हम इसमें बौद्ध साहित्य में करें तो वो ये हो सकती है कि अब इनके जो कुछ बौद्ध ग्रंथ भी थे क्या थे बौद्ध अच्छा एक और चीज जो ये पिटक लिखे गए ये किस भाषा में लिखे गए थे तो आपको ये भी याद रखना है ये पाली में लिखे गए थे पाली भाषा ठीक है तो ये जानकारी अब हम बात करते हैं बौद्ध ग्रंथ की कुछ बौद्ध ग्रंथ हमें मिलते हैं ठीक है बौद्ध ग्रंथों में एक सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मिलिंद पनहो ठीक है ये आपने सुना भी होगा मिलिंद पनहो ठीक है ये एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें जो यवन थे यूनानी यूनानी राजा मिनांडर और बौद्ध भिक्षु जो थे नागसेन इनके बीच में कुछ दार्शनिक वार्तालाप हुई थी उनका वर्णन हमें इस बुक में मिलता है मिलिंद पनोहो में क्या समझिए आप दोबारा आपको बस इतना याद रखना है कि ये मिलिंद पनोह जो है ये किस धर्म से साहित्य से धर्म ग्रंथ से संबंधित है तो ये है बौद्ध धर्म ग्रंथ से संबंधित है किस क्या जानकारी देती है मैंने कहा जो यवन राजा थे यूनानी राजा थे मेनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन इन दोनों के बीच में जो दार्शनिक व्याख्या थी उसका वर्णन वार्तालाप जो हुई थी उसका वर्णन हमें इसमें मिलता है क्लियर है बात आगे जानकारी हम आगे इसमें अच्छे से पढ़ेंगे जब बौद्ध धर्म पढ़ेंगे ठीक है दूसरा अगर मैं बात वंश दीपवंश दीपवंश ठीक है ये दीपवंश क्या था जो कि ये भी एक ग्रंथ है बौद्ध ग्रंथ है इसमें जो सिंहल द्वीप था जैसे कि मैं अभी बात कर रहा हूं श्रीलंका को कहा गया था ना सिंहल द्वीप इसके इतिहास के बारे में जानकारी देता है ये दीप वंश ठीक है इसके अलावा महावंश ये सब बौद्ध ग्रंथ महा महा थी महानास महा कुछ ऐसा नाम है उनका ठीक है ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बस आप इतना सुन लीजिए कि ये ग्रंथ जो ये से, से है बौद्ध धर्म ग्रंथ से संबंधित है ठीक है वदंत महानास करके नाम है उनका उन्होंने इसकी रचना की थी और इसमें क्या जानकारी मिलती है जो मगध शासन मध मगध जो था उसमें जो शासक थे उनके शासन काल का एक क्रमबद्ध सूची मिलती है मगध के शासन काल का क्रमबद्ध सूची की जो जानकारी मिलती है वो महावंश से हमें मिलता है ये एक बौद्ध ग्रंथ है और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ललित विस्तार मोस्ट इंपॉर्टेंट ललित विस्तार अब ये क्या है सर देखो जो ललित विस्तार है ये भी बुद्ध की जो गाथाएं थी बुद्ध की जो लीलाएं थी उसका विस्तार है भाई इसमें ललित विस्तार में ठीक है देखो सीधा सीधा शब्दों में अगर बोलूं कि गौतम बुद्ध जी ने जो पृथ्वी पर जो कीड़ा की है कीड़ा यानी की कि ललित जो भी उनके द्वारा काम किए गए हैं उनका विस्तार इसमें किया गया तो जो ललित शब्द है ना ललित कीड़ा से संबंधित ही है कीड़ा समझते हैं ना जो भी खेल करे हैं जो भी काम किरे करे हैं उन्होंने जो कुछ भी गतिविधि आप कह सकते हैं गाथाएं है, लीलाएं है, उनकी हुई है उसी को ललित कहा गया और उसका विस्तार ही ललित विस्तार है समझ आए इसमें जो है देखो इसी से पर जो है इस ग्रंथ का ही उपयोग करके एडविन और एनार्ड ने क्या किया था जो बुद्ध की जो आ, क्या बोलते महाकाव्य बुद्ध की जीवन की महाकाव्य क्या है भाई लाइट ऑफ एशिया इसकी रचना की थी ठीक है इसी से इसी का उपयोग करके तो ये भी आपको ध्यान रखना है समझ आई बात और आप अच्छे से जानते हैं जब आपने बौद्ध धर्म थोड़ा बहुत पढ़ा होगा पहले तो वहां पर आपने हीन यान और महायान पढ़ा होगा तो ये जो संबंधित है ना ये महायान से संबंधित है तो अभी हम सिर्फ ये जान रहे हैं कि जानकारी कहां से प्राप्त हो रही आगे हम जब बौद्ध धर्म पढ़े अभी हम बौद्ध धर्म नहीं पढ़ रहे हैं ठीक है थीके? तो हम आगे पढ़ेंगे अभी बस हम ये जान रहे हैं कि हमें क्या क्या जानकारी मिल रही है तो ये है बौद्ध साहित्य बस समझ आए आपको यहां तक ठीक है ये स्रोत है हमारे जानकारी के आगे बढ़ते हैं जैन साहित्य की बात करते हैं ठीक है देखो जैन साहित्य की जब हम बात करते हैं तो इसमें एक आगम साहित्य आता है क्या आता है आगम साहित्य अभी आगम साहित्य क्या हुआ देखो ये जो है हुआ क्या था बहुत समय पहले की बात करें तो जैन साहित्य का जो क्या हुआ था कुछ समय के लिए ये जो है बंद हो गया था ये इस ये जो विलुप्त हो गया था मतलब जो अगर हम बात करें जैन साहित्य की तो कुछ समय के लिए एक बहुत बड़ा वो, क्या वो अकाल पड़ गया था बीच में 160 सालों के लिए तो उस समय जो इसके ज्ञानी रहे होंगे तो वो भी इधर उधर हो गए है ना जिस वजह से ये साहित्य इनका जो है विलुप्त हो गया था उसके बाद जो है जैन साहित्य की बाद में फिर जरूरत आवश्यकता पड़ी तो उसका संकलन दोबारा किया गया तो उस समय इसका नाम रखा गया आगम साहित्य क्या आप बात समझ पा रहे हैं तो जैन साहित्य को ही जो है आगम साहित्य के नाम से भी जाना जाता है यह बात आपको ध्यान रखनी है ठीक है इसको जो है चौदह हिस्सों में विभाजित किया गया है ठीक है चौदह हिस्सों में इसको पहले विभाजित किया गया था जब यह पहले लिखा गया था बाद में आगम साहित्य बना है ये पता होना चाहिए ठीक है यह भी जो है जो आगम साहित्य है जैसे भी हमने बौद्ध धर्म में त्रिपिटक पढ़ा वैसे ही जो है ठीक है ये जैन में वैसे ही, ही इसमें जो आगम साहित्य में जो है महावीर स्वामी जी के उपदेश उनके जो जैन संस्कृति थी उनके संबंध में कहानियां कथाओं का जो है संकलन हमें आगम साहित्य में मिलता है ठीक है आगम साहित्य में जो है क्या क्या है बारह अंग है इसमें ये हम आगे समझेंगे ठीक है बारह अंग हो गया बारह उपांग है इसमें दस परकीर्ण है इसमें ये बस हल्के में सुन लीजिए इनको छह छे छेद सूत्र है इसमें ठीक है और चार मूल सूत्र है इसमें इसके अलावा एक अनुयोग द्वार है एक अनुयोग द्वार है इसके अलावा एक नंदी द्वारा है ठीक है तो ये सभी जो है हमें आगम साहित्य के अंतर्गत जानने को मिलता है ठीक है तो इसमें अभी आप इतनी ही जानकारी रख लीजिए और आगे बढ़ते हैं ठीक है धर्मेतर साहित्य की बात करते हैं अब धर्मेतर साहित्य में मैंने क्या बात करी थी धर्म से इतर धर्म से अलग जो है तो वो हमें जो हमारे इतिहास में हमें जानकारी देते हैं इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर कौटिल्य साहब की क्या बात करते हैं कौटिल्य साहब की कौटिल्य के बारे में आपने सुना होगा इनकी एक पुस्तक है अर्थशास्त्र कौटिल्य की पुस्तक है अर्थशास्त्र जिनको पंद्रह अधिकरण में विभाजित किया गया इतने पंद्रह अधिकरण में विभाजित किया गया कौटिल्य की जो ये अर्थशास्त्र है यानी कि कह सकते हैं, अलग अलग पंद्रह खंडों में इसको विभाजित किया गया है ठीक है इसकी जो रचना है वो 1909 में मतलब रचना 1909 में नहीं है मतलब इसको खोजा गया किसके द्वारा खोजा गया साम शास्त्री जी के द्वारा ध्यान रखेंगे किसके द्वारा खोजा गया साम शास्त्री जी के द्वारा इसको खोजा गया कब 1909 में ठीक है और जो ये शाम शास्त्री थे ये मैसूर विश्वविद्यालय के जो लाइब्रेरियन थे वहां पर जो लाइब्रेरी में रहते वो थे और इन्होंने क्या किया इसका 1915 में अनुवाद किया किस भाषा में अंग्रेजी में तो ये भी आपको पता होना चाहिए पूछा जा सकता है इसका अंग्रेजी में अनुवाद जो है ये किसने किया ये शाम शास्त्री ने किया 1915 में ठीक है तो इस पुस्तक से भी हमें बहुत कुछ हमारे इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है दूसरा है पतंजलि पतंजलि का महाभाष्य और एक है कालिदास की कालिदास की मालविकाग्नि मित्रम माल विकाग्नि मित्रम मालविका माल और अग्नि मित्रम की जो प्रेम कहानी है ना वो इसमें हमें जानने को मिलता है ये कालिदास जी ने लिखा इसको ठीक है तो ये जो है ये दोनों जो पुस्तकें पतंजलि की महाभाष्य कालिदास की मालविकाग्नि ये दोनों जो है हमें यूनानी आक्रमण जो हुए थे मौर्यों के टाइम पर उसके मतलब यूनानी आक्रमण से मौर्य मौर्योत्तर काल तक के बारे में हमें जानकारी इन इन किताबों में मिल जाती है यूनानी आक्रमण से और मौर्योत्तर काल तक जानकारी हमें जो है वो इन दो किताबों में मिलती है तो ये आपको इसमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है ये पतंजलि की महाभाष्य और मालविगिनी मित्रम कालिदास जी की है इसके अलावा और भी है मैं इनको मिठा रहा हूं आप इसको नोट कर लेंगे ठीक है इसके अलावा विशाख दत्त विसागदत्त दत्त की है मुद्रा राक्षस देखो ये क्वेश्चन भी पूछे गए हैं ठीक है मुद्रा राक्षस जो है ये किस किसकी पुस्तक है मुद्रा राक्षस राक्षस ठीक है इसमें जो है जो मौर्यों की उत्पत्ति कैसे हुई वो सारी जानकारी हमें यहां से मिलती है मौर्यों की उत्पत्ति के बारे में जानकारी देती है ये विसाख की मुद्रा राक्षस ठीक है इसके अलावा देवी चंद्र गुप्तम देवी चंद्र गुप्तम ये पुस्तक किसकी है भाई देवी चंद्र गुप्तम यह है ये भी विशाख दत्त की ही है सॉरी ये देवी चंद्र गुप्तम भी जो है यह भी विशाख दत्त की ही है और इसमें हमें जो जानकारी मिलती है गुप्त जब हम गुप्त काल पढ़ेंगे वहां पर हम रामगुप्त के बारे में पढ़ेंगे तो उसी के बारे में ये देवी चंद्र गुप्तम लिखी गई है विशाख दत्त की है ये दोनों पुस्तकें ठीक है थीके? तो इसमें क्या है गुप्त शासक रामगुप्त के बारे में हमें जानकारी मिलती है देवी चंद्र गुप्तम और मुद्रा राक्षस में तो ये दोनों पुस्तकें किसकी है विशाख किस दत्त की है? है ये आपको ध्यान रखनी है क्लियर है इसके अलावा और भी हैं एक दो सुद्रक सुद्रक है ना सुद्रक सुक की रचना कट्टिका या कट्टिकम ये सब पूछी गई एग्जाम में इसलिए लिख रहा हूं है ना कट्टिकम ये जो है ये सुद्रक की है और इसमें गुप्तकालीन समाज के बारे में जानकारी मिलती है जो गुप्तों के टाइम में जो समाज कैसा था उसके बारे में हमें वृक्ष में जानकारी मिलती है जो कि की, की है ठीक है इसके अलावा जी की बात कर लेते हैं पाणिनि की अष्टाध्यायी पाणिनि की अष्टाध्यायी के बारे में बात करें कि संस्कृत का पहला व्याकरण भी इसको कहा जाता है संस्कृत का पहला व्याकरण इसको ये अष्टाध्यायी को ठीक किस है किसकी है पाणिनी की पाणिनी जी की जो छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो गणराज्य था उसके बारे में हमें हम अच्छे से जानकारी मिलती है ठीक है और एक अंतिम है कलहड़ कलहण भी रहता कलहड़ भी लिखा रहता है कलहण ठीक है कलहण जी की पुस्तक है राजतरंगणी क्या है राजतरंगिणी ये सारे आपको याद होने चाहिए भाई पुस्तकों के नाम राजतरंगिणी किसकी है की ये जो भारत का पहला ऐतिहासिक ग्रंथ के नाम से भी इसको जाना जाता है क्या बोला भारत का पहला ऐतिहासिक ग्रंथ कौन राजतरंगणी की इसमें जो है कश्मीर के, के इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है कश्मीर के इतिहास के बारे में हमें इसमें जानकारी मिलती है कल्लड़ के राज तरंगणी में ठीक है तो भाई ध्यान रखना है ये सारी जो पुस्तकें हैं ये इसके रचनाकार कौन है ये सब आपको याद होनी चाहिए एक बार दोबारा देखते हैं मुद्रा राक्षस और देवी चंद्र गुप्तम ये विशाख दत्त की है ठीक है और मुद्रा राक्षस में हमें मौर्यों की उत्पत्ति के बारे में जानकारी मिलती है और देवी चंद्र गुप्ता में गुप्त शासक जो राम गुप्त है इनके बारे में जानकारी है ठीक है बहुत डरपोक शासक था इसके बारे में हम पूरी कहानी समझेंगे अच्छे से ठीक है सुद्रक ये आ, ये मृक्षक की है पुस्तक जिसमें गुप्तकालीन समाज के बारे में जानकारी मिलती है पाड़िनी की अष्टाध्यायी से हमें ये संस्कृत का पहला व्याकरण है ठीक है और कल्लड़ की राज तिरंगणी से हमें ये कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है यहां तक की चीजें क्लियर है तो ये हमने तीन चीज पढ़े हैं ये धर्मेतर साहित्य के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे ठीक है तो हमने धर्मेतर साहित्य में किस किस के बारे में बात की कौटल्य के बारे में बात की उनकी पुस्तक अर्थशास्त्र इसके अलावा पतंजलि का महाभाष्य कालिदास की मालविकाग्निमित्रम विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस और देवी चंद्र गुप्तम सुद्रा की मृक्षकट्टिकम पाणिनी की अष्टाध्याय कलड़ी राजनी ठीक है तो अभी मैं एक बार वापस आता हूँ इसमें तो ये धार्मिक साहित्य को हमने अच्छे से कवर कर लिया है, है कि नहीं हमने इसमें ब्राह्मण साहित्य पढ़ा जिसमें मैंने बताया था इसको दो भागों में बांटा था हमने है ना तो दूसरा हमने बौद्ध साहित्य के बारे में थोड़ा जानकारी ले ली जैन साहित्य के बारे में थोड़ा जानकारी ले ली इसके बाद हमने बात की धर्मित और साहित्य ये भी हमने कर लिया अच्छे से जिसमें हम कौटल्य के अर्थशास्त्र के बारे में थोड़ा जानकारी ली राजतरंगणी के बारे में समझा अष्टाध्यायी मुद्रा राक्षस और ये कालिदास की इनके बारे में एक दो हमने और भी जैसे मैंने शुद्रक बताया था है ना अलग इसमें तो वो भी आपको याद रखनी हैं अब हम बात करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यह विदेशी साहित्य के बारे में ठीक है तो चलते हैं बढ़ते हैं आगे ये देखो अब हम बात करें विदेशी साहित्य जो विदेशी यात्री यहाँ पर आए थे उनका विवरण से हमें जो जानकारी मिलती है है ना तो उसमें हमने अलग अलग बांटा था इसमें पहला है यूनानी वृतांत जो यूनानी देश से यहां पर आए थे जो यूनानी थे उनके बारे में हम यहाँ पर अभी जानेंगे फिर चीनियों को हम अलग देखेंगे नेपाली जो आए थे वो अलग देखेंगे हम उनको ठीक है तो पहले हम यूनानियों के बारे में बात करते हैं देखो जो यूनानी वृतांत है ना इसको क्लासिकल लेखक मतलब जो यूनानी साहित्य के जो लेखक है ना जितने भी रहे हैं इनको क्लासिकल लेखक भी कहते हैं बात समझे एक बार लिख लेता हूं इनको क्लासिकल लेखक भी कहा जाता है भाई जो यूनानी लेखक हुए हैं ठीक है तो देखते हैं इन्होंने क्या क्या लिखा है कौन कौन इसमें महत्वपूर्ण लेखक है वो हम देखते हैं एक तो आपके सामने यहाँ पर दिख रहे हैं कोई पहचाने का कौन है ये ये है साहब मेघस्थनीज कौन है ये मेघस्थनीज ठीक है अभी हम वो भी जानेंगे क्वेश्चन कैसे बनते हैं यहाँ से ठीक है अभी तक तो बहुत ये जो है ना क्वेश्चन जो अभी तक हमने पढ़ा बहुत कम क्वेश्चन पूछता है बट ये आपकी जानकारी के लिए बहुत जरूरी है आपको जानकारी होनी चाहिए कि इतिहास कैसे कैसे हमारा हमें जानकारी मिलती है हमारे इतिहास को जानने के लिए तो ये मेघस्थनीज साहब है आपके सामने और इनकी पुस्तक आपको पता होनी चाहिए क्या है इनकी पुस्तक है इंडिका इंडिका है ना इनकी पुस्तक का नाम क्या है इंडिका है की पुस्तक का नाम ठीक है इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं 1846 1846 में डॉक्टर स्वानबेक डॉक्टर स्वानबेक जी के द्वारा संकलन करके इसका प्रकाशित किया गया ठीक है किसने संकलन किया स्वान वेग जी ने इसका संकलन किया और प्रकाशित किया 1846 में फिर बात आती है एक नई डेट अठारह इसमें जो है एक नाम आता है मैक्रेंडिल मैक्रेंडिल ठीक है मैक्रेंडिल इन्होंने इसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया क्या किया अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया मैक्रेंडिन ने किया इंडिका का क्लियर है एक्चुअली ये बात पता होनी चाहिए मेगिस्थनीज था कौन सा ये एक राजदूत था किसका राजदूत था ये, ये सेल्युकस निकेटर का था इसका था सेल्युकस निकेटर का ये क्या था राजदूत था ये ठीक है आगे भी हम इनके बारे में अच्छे समझेंगे सेल्युकस निकेटर कौन था राजदूत क्यों यहां पर आया था कैसे आया था वो सब हम जानेंगे ठीक है अब ये किसके दरबार में आया था भाई ये दरबार में किसके दरबार में यहाँ पर पहुंचा था मेगस्थनीज तो ये पहुंचा था साहब चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसके चंद्रगुप्त अब ये क्वेश्चन भी पूछता है डायरेक्ट कि ये किसके दरबार में आया हेनसांग किसके दरबार में आया फायान किसके दरबार में आया है ना तो ये जानकारी आपको पता होना चाहिए तो मेघस्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य जी के दरबार में आया था 305 सौ पांच में 305 सौ पांच में ठीक है और यहाँ पर जो है लगभग छह से सात वर्षों तक ये रहा छह सात साल तक ये यहाँ पर रहा इनके दरबार में ठीक है ये जानकारी आपको पता होनी चाहिए किस बात की चर्चा हमें इस इनकी पुस्तक इंडिका में मिलती है क्या क्या है इनकी पुस्तक में इन्होंने यहाँ पर जो देखा है यहाँ के प्रशासन के बारे में यहाँ की समाज यहाँ की अर्थव्यवस्था यहाँ यहाँ की जो पशु पक्षी मिट्टी जलवायु इन सब के बारे में हमें जानकारी मिलती है इनकी पुस्तक इंडिका में क्या आपको ये बात क्लियर हुई ठीक है तो ये जो मेगस्तनीज था ये एक यूनानी लेख क्या था एक एक यूनानी था तो ये आपको याद रखना है अब आप इनको ना मिक्स ना कर दें इसीलिए हम अलग अलग पढ़ रहे हैं अभी हम जितने भी यूनानी लेखक आए या जितने भी यूनानी यहाँ पर थे उनके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं फिर हम चीनियों को अलग करेंगे है ना ताकि आप कन्फ्यूज ना हो तो यहां तक चीजें क्लियर हो गया इंडिका के बारे में हमने समझ लिया और देखो इसमें और कौन 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 है इंपॉर्टेंट इस स्ट्रेबो साहब की जो पुस्तक है ये यूनानी लेखकों के बारे में हम जान रहे अभी तो इनकी एक पुस्तक है वर्ल्ड जियोग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी ठीक है तो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है ये किसकी है स्ट्रैबो की है ये ठीक है सिंध प्रदेश का भूगोल इसमें है ठीक है सिंध प्रदेश का भूगोल ठीक है स्टेबो की एक है प्लेटो साहब प्लूटार्क प्लूटार्क सॉरी प्लेटो बोल दिया प्लूटार्क तो इनकी पुस्तक है पैरेलल लाइन क्या है पैरेलल लाइन ये भी आपको पता होना चाहिए तो इस ये जो है प्लूटार्क जी जो है ये पहले यूनानी लेखक हैं पहले यूनानी लेखक हैं ठीक है जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर जो चंद्रगुप्त मौर्य जो है सिकंदर से किस प्रकार मिला था उनके बारे में हमें जानकारी देता है ये प्लूटार्क ठीक है इसके अलावा जो चंद्रगुप्त ने जो है छह लाख पैदल सैनिकों के बल पर जो है पूरे भारतवर्ष को रौंद दिया था ये जानकारी हम पुलू टार्ग बताता है चंद्रगुप्त के बारे में जो बातें आ रही है ठीक है तो ये सभा में देखने को मिलती है इसके अलावा जस्टिन भी हैं ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एक इंपॉर्टेंट है प्लीनी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कई बार इनकी पुस्तक पूछी गई है प्लीनी प्लीनी की पुस्तक का नाम है नेचुरल हिस्ट्री नेचुरल Natural... हिस्टोरिका या हिस्ट्री आप है ना हिस्टोरिका बिहार पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है ठीक है गुड तो नेचुरल हिस्टोरिका जो है ये प्लीनी की पुस्तक है और इसमें हमें क्या जानकारी मिलती है जो कलिंग युद्ध था अब ये कलिंग युद्ध अभी अभी अपने अंदर ये चीज ना लाएं कि ये कलिंग युद्ध तो सर ने बताया नहीं ये सब हमने आगे समझने हैं पूरी जानकारी हम आगे इनके बारे में देखेंगे कलिंग युद्ध क्या हम आगे जाने अभी हम सिर्फ ये जान रहे हैं कि भाई पिलीनी साहब यहाँ आए थे उन्होंने यहाँ पर कुछ लिखा है अपनी पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री में जिससे हमारे इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिल रही है तो इन्होंने कलिंग युद्ध के बारे में अपनी पुस्तक में लिखा है ये नेचुरल हिस्ट्री में ठीक है और मौर्योत्तर का जो भारत व्यापार किस प्रकार से हो रहा था उसके बारे में ये जानकारी मिलती है की इसके अलावा टोलमी ये सारे क्या हैं ये यूनानी लेखक हैं भाई ठीक है टॉलमी इनकी पुस्तक है जियोग्राफी क्या है जियोग्राफी ज्योग्राफी ठीक है तो ये पहला यूनानी लेखक था जिसने भारत का मानचित्र तैयार किया लिख लो इसके बारे में क्या कह रहा हूं दोबारा सुन लीजिएगा टॉलमी जो है ये पहला यूनानी लेखक पहला यूनानी लेखक है जिसने भारत का मानचित्र तैयार किया भारत का मानचित्र तैयार किया मतलब ठीक है ये अलग बात है जो कि सत्य से काफी कुछ दूर रहा है मतलब जो मानचित्र था इसका हालांकि थोड़ा बहुत सारी एरिया को उसने जोड़ दिया या हटा दिया हालांकि वो बिल्कुल सत्य से काफी दूर था लेकिन पहला मानचित्र जो तैयार करने का जो सीरेज जाता है ना तोलमी साहब को जाता है भाई ठीक है ये एक पहला यूनानी लेखक था तो यूनानी लेखकों में हम इतने ही रखते हैं ठीक इसके अलावा एक डायडोरस भी है ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं लग रहा मुझे छोड़ देते और एक जस्टिन भी है तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं इनको छोड़ो तो अभी हमने कितनों किन किन लेखकों के बारे में बात की यहाँ पर यूनानी में पहले तो इंडिका है इंपोर्टेंट है मेगस्तनी साहब दूसरे स्ट्रेबो साहब वर्ल्ड जियोग्राफी है इनकी प्लूटार्क पैरल लाइन है प्लीनी की नेचुरल हिस्ट्री और टॉलमी की जियोग्राफी तो ये आप सारे जो है यूनानी लेखक हैं ठीक है अब आगे बढ़ते हैं हम चीनी साहित्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और यहां से हर बार क्वेश्चन देखने को मिलता है हर एग्जाम में आता है यहां से ठीक है तो इन चीनी लेखकों के बारे में भी थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं तो चीनी साहित्य की अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट नाम हमें यहां पर मिलते हैं साफ ठीक है एक ना मेरा इसके ऊपर देखो तो राइटिंग अगर अच्छी नहीं बन रही है थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा ठीक है सुना ही अच्छा दे रहा होगा है ना तो सुन के आप खुद से लिखे अगर आपको समझ नहीं आ रही होगी उसे समझने की कोशिश इतनी बेकार राइटिंग भी नहीं है मेरी है ना फायान फायान की बात करते भाई ठीक है ये भी एक चीनी यात्री था भारत आया था साहब घूमने घूमने आए थे कि कुछ और काम करने आए भाई ये अपने बौद्ध बौद्ध धर्म की जानकारी लेने के लिए हमारे यहां आ रहे थे ठीक है तो इनकी पुस्तक है फायन की पुस्तक क्या है भाई जैसे की पुस्तक है ना सी यू की वैसी इसकी पुस्तक है फो यू की क्या है फो यू की किसकी फायन की ठीक है और ये भारत कब आया था साहब फायान ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखो चीनी कौन कौन यात्री आई थी भारत फायान आया था सुंगयन आया था हेनसांग आया था आया था और आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनाता है इनमें से कालक्रम में लगाइए पहले कौन आया बाद में कौन आया तो यह भी आपको ध्यान रखना है यहाँ पे ठीक है तो मैं आपको सीक्वेंस में ही बता रहा हूं तो देखो फायान कब आया तीन सौ निन्यानबे तीन सौ निन्यानबे ईस्वी में ये आया और किसके शासन काल में आया ये भी आपसे पूछा जाता है ठीक है तो ये आए थे साहब चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चंद्रगुप्त सेकेंड के शासनकाल में ये भारत आया था याद रहेगा चंद्रगुप्त द्वितीय अरे ये चंद्रगुप्त द्वितीय वही जिसके दरबार में नवरत्न हुआ करते थे है ना ये कालिदास ब्राह्मीर ये सब जो है इन्हीं के दरबार में तो उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे जब मैं चंद्रगुप्त पढ़ा रहा होगा ना वहां पर फिर से फायन का नाम जरूर आएगा ठीक है तो ये अभी हम याद रख लिए फायान साहब इसने अध्ययन क्या अध्ययन करने यहाँ पर आया था ये वही इनको बौद्ध धर्म के जानकारी के लिए आ रहे बौद्ध धर्म की जानकारी के लिए यहाँ पर आते थे ये ठीक है तो ये आपको ध्यान रखना है दूसरा जो यात्री की अगर हम बात करें तो वो है हमारे सूंगयन सूंगयून ठीक है ये एक चीनी यात्री था सूंगयून इसकी इसके ये ये जो भारत आया था ये कब आया था ये आया था भारत 518 से लेकर 520 सौ ईस्वी के बीच तक ये भारत आया था 518 सौ बीस ईस्वी में और इसने जो चर्चा करी है जो जानकारी हमें मिलता है तो गुप्त साम्राज्य पे जो का आक्रमण हुआ ना उसके बारे में सुन जानकारी देता है क्या जानकारी देता है जो गुप्त साम्राज्य में गुप्त जब साम्राज्य में जो का आक्रमण होता है का आक्रमण के विषय में यह हमें जानकारी देता है कौन सुंगय तो इसका टाइम पीरियड याद रखना है और फायन का टाइम पीरियड याद रखना है आपको ठीक है तो इन दोनों में से अभी देखो पहले फायन आया है सुंगयुन उसके बाद आया है आगे देखता हूं इसके बाद हम बात करते हैं हिंसांग की ठीक है तो हिंसांग के बारे में आपने बहुत कुछ सुना भी होगा पहले से ठीक है यात्रियों का राजकुमार इसको कहा जाता है इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है यात्रियों का राजकुमार किसको हिंसांग को नीति का पंडित नीति का पंडित इसको कहा जाता है वर्तमान साक्य मुनि इसको कहा जाता है साक्य मुनि किसको कहा गया ये तीन नाम से हेनसांग को जाना जाता है भाई ठीक है और इसका एक और नाम भी है कोई बताएगा कमेंट करके कई जगह पर वही नाम आता है वह तो हैंग है क्या है युवा युआन चुआंग।, युआन चुआंग यही है का नाम ठीक है इसकी पुस्तक के नाम क्या है मैं अभी बता भी चुका हूं इसकी पुस्तक का नाम है सी यू की ठीक है और किसके शासन काल में ये आया था यहां पे भारत में तो जो शासन काल था साहब वो था हर्षवर्धन का अभी लास्ट में क्वेश्चन भी रखे हैं ठीक है किसने ध्यान से आपने क्लास को देखा है वो आपका लास्ट में एक टेस्ट होगा ठीक है तो हर्षवर्धन के शासन काल में यहां पर आया लगभग सोलह वर्षों तक ये यहां पर रहा भाई सोलह वर्षों तक ये भारत में रहने के पश्चात छह सौ पैंतालीस ईस्वी के आसपास ये भारत से चला गया था ठीक है तो हर्षवर्धन के बारे में ये सब थोड़ा जानकारी आपको तो याद रखनी है क्लियर है तो टाइम पीरियड की बात कर लेता हूं छह में छह सो ईस्वी में यह भारत आया था भाई और छह में ये भारत से चला गया था तो लगभग सोलह साल हो गए ना यहाँ पर रहा था ठीक है अब आप खुद ही देख लो टाइम पीरियड बिल्कुल सही चल रहा है कि नहीं चल रहा देखो फायान सबसे पहला आया तीन में सॉरी तीन में ठीक है फिर सुंगय आया 518 में और फिर ये छह में आ रहा है हिंसांग क्लियर है तो आपको इनका सीक्वेंस भी याद रखना है इसी के साथ एक छोटा लेखक है छोटा लेखक बोलूं उनको या यहीं पर लिख लेता हूं हुइली हुइली ये हुइली कौन था ये इसका दोस्त था हेंसंग का मित्र था ये मित्र था किसका मित्र हेंसंग का ये मित्र था जिसकी जिसने हेंसंग की जीवनी लिखी है हेंसंग की जीवनी किसने लिखी है तो हुइली ने लिखी ये हुइली कौन था इसका दोस्त था ये आपके दोस्त है कोई जीवनी लिखने वाले पत्नी के क्या बुराइयां लिख देंगे है ना तो वही है तो देखो भाई कोहली साहब ने क्या लिखा है इनकी जीवनी की में आता है एक नया इत सिंह अब मेरे को इसको रफ करना पड़ेगा क्योंकि जगह नहीं है यहाँ पे है ना क्योंकि फिर आगे मैंने सिंहली साहित्य रखा है स्लाइड में तो इसको मैं कहाँ पर लिखू इत सिंह को मैं यहीं पर ऐड कर लेता हूँ कहीं पे है ना छोटे से तो ये गया हमारे ईत सिंह ठीक है ईद सिंह भारत का वाया सिंह भारत आया छह सौ इकहत्तर में छह सौ इकहत्तर बहत्तर ईस्वी में यह भारत आया भाई ठीक है और इसने यहां पर अध्ययन भी किया यानी कि पढ़ाई लिखाई भी की इसने कहां पर नालंदा विश्वविद्यालय में नालंदा विश्वविद्यालय में इसने पढ़ाई लिखाई भी की थी ठीक है और इसकी जो पुस्त इस... इसने जो अपने पुस्तक में जो जानकारी मिलती हमें उसमें तो इस, इस ने जो जानकारी दी वो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद जो भारत की जो भारत, भारत में क्या राजनीति हुई है ना उसके बारे में इस ने जानकारी दी है तो आप खुद लगा लीजिए कि हर्षवर्धन के बाद आ रहा है मतलब के बाद ही होगा ये है कि नहीं क्योंकि हिंसांग तो हर्षवर्धन के टाइम पे आया और ये उसकी मृत्यु के बाद का जो जानकारी दे रहा है हमें तो ओबिस ये हिंसांग के बाद आया होगा तो ये है भाई चीनी चैनी जो हमारे मेन यात्री रहे हैं ठीक है तो इनमें से आपको सीक्वेंस क्लियर हो जाना चाहिए सबसे पहले फायन आया फिर सुंगयून आया फिर हेनसांग और इत क्लियर है तो ये चार इंपोर्टेंट है हमारे चीनी साहित्य के अंतर्गत करेक्ट है अब मैं आगे बात करता हूं सिंहली साहित्य मैंने कहा पहले भी कहा कि श्रीलंका का जो प्राचीन नाम है वो सिंहल देश है तो ये श्रीलंका के इतिहास के बारे में हमें जानकारी दे रहा है सीहली साहित्य हम जो है दो भागों में पढ़ते हैं एक है वंश और एक है महावंश मैंने पहले भी बात करी थी दीप वंश और महावंश ठीक है जो ये दीप वंश है ये चौथी शताब्दी में इसमें लिखा गया है चौथी शताब्दी में और ये महावंश है ये पांचवी शताब्दी में पांचवी शताब्दी में ठीक है इसमें जो चर्चा है जो ये दीप वंश में क्या जानकारी हमें मिलती है तो अशोक ने ये देखो अब ये कुछ काम गड़बड़ भी होने लगते हैं यहाँ पर बातें ऊपर नीचे आती है इनमें हालांकि बट हमें इतिहास में तो कुछ अच्छा लिखते हैं कुछ बुरा भी लिखते हैं है ना अब ये लिख रहा है कि अशोक ने निन्यानबे भाइयों की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा अशोक जो है अपने निन्यानबे भाइयों की हत्या करके गद्दी पर बैठा ठीक है ये लिखता है और जो ये महावंश में है यहां पर हमें जो चर्चा मिलती है जो जानकारी हमें हुई है वो ये मिलती है कि अशोक ने 11 भाइयों की हत्या कर राज गद्दी प्राप्त की तो यहाँ पर है जो है ये 11 भाइयों की बात हो रही है यहां पर निन्यानवे भाइयों की बात हो रही है तो भाई आप खुद ही देख लो अब एक चीज बताओ अगर इसके निन्यानवे भाई हैं और भाइयों में जब युद्ध चल रहा था तो सारे कुछ इधर साइड रहे होंगे कुछ भाई इधर साइड रहे होंगे मान लो ये सौ निन्यानवे सौ भाई हैं ठीक है तो भाई हो सकते हैं चालीस भाई इधर रहे होंगे साठ भाई इधर रहे होंगे तो कुछ भाई इधर से भी तो मरे होंगे कुछ इधर से भी तो जो इधर साइड वाले मरे होंगे या अशोक के साइड रहे होंगे कुछ भाई तो जो इधर से मरे तो इसका मतलब ये थोड़ी ना इनको अशोक नहीं मारा है बात समझ पा रहे हैं आप तो ये भी तो हो सकता है इसलिए यहाँ पर ये बोल रहा है कि ग्यारह भाइयों की हत्या करी इसने अशोक ने तो अलग अलग चीजें दी है ठीक है बाकी इसके अलावा और एक चर्चा मिलती है महावंश में बिंदुसार की मृत्यु और अशोक का जो राजारोहण के बीच के जो टाइम पीरियड है उसके अंतराल जो बीच का अंतराल है उसके बारे में चर्चा की गई है दोबारा सुन लीजिएगा बिंदुसार की मृत्यु बिंदुसार की मृत्यु ठीक है और अशोक का राज्य राज्यभिषेक राज्यारोहण अशोक का राज्य ठीक है तो इसके बीच जो ये गैप हुआ है चार साल का इसके बारे में जानकारी मिलती हो तो बिंदुसार की मृत्यु हुई थी दो सौ तिहत्तर बीसी में है ना 273 सेवनटी बीसी में इसकी मृत्यु हुई और 269 सिक्स बीसी में इसका राज्यारोहण होता है अशोक का ठीक है तो चार साल बाद इसका राजारोहण हो रहा है इस बात पे इन्होंने गहराई करी है अब आप सोचो कि ये इतने बड़े महान राजा को क्या दिखाना चाह रहे हैं देखो ना अच्छा ही नहीं वो उनकी वीक पॉइंट को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उनको इस प्रकार से खंडित करने की कोशिश की जा रही है कि देखो भाई ये अपने निन्यान भाइयों को इसने मारा क्रूर दिखा रहे हैं उसको है कि नहीं और ये देख रहे हैं यहां पर देखो बिंदुसार की मृत्यु जब दो सौ तिहत्तर बीसवी में हो गया तो ये चार साल बाद राजोहन क्यों कर रहा है इसका मतलब इसने अपने भाइयों को मारने में इतना टाइम समय लगाया बीच में है ना तो ये कुछ राइटर के द्वारा कुछ ऊंच नीच लिखी जाती है अपने अपने हिसाब से ठीक है तो हम इस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे तो सिंहली साहित्य में अगर आप आपको दीन वंश और महावंश पूछा जाए तो ये सिंहली साहित्य के अंतर्गत आता है करेक्ट है नेपाली साहित्य की बात करूं इसमें दो पुस्तक है भाई ठीक है दो पुस्तक हमें मिलती है एक वैसे एक ही है इसके दो खंड है दिव्य दान ठीक है दिव्य दान है और इसके दो भाग हैं एक है अशोकावदान अशोकावदान और दूसरी और है कुणालक कुणालक ठीक है ये दो पुस्तक हमें ये दिव्यदान है एक पुस्तक इसके दो खंड है ये एक अशोकावदान है और एक कुणालक है अब जो ये जो है अशोकावदान तो नाम से ही क्लियर हो रहा है अशोक सम्राट अशोक के बारे में इसमें हमें जानकारी मिल दी है ठीक है और जो ये कुणालक है इसमें जो है एक राजकुमार कुणाल के बारे में जानकारी है जो तक्षशिला जो विश्वविद्यालय उसके गवर्नर थे ये राजकुमार कुणाल कुना, कुणाल ठीक है तो ये कौन थे मैंने कहा तक्षशिला के गवर्नर थे ये तक्षशिला के गवर्नर थे ये ठीक है तो ये थे इस, इनके बारे में हमें इनसे जानकारी मिलती है ये एक नेपाली साहित्य है तो, तो ये था हमारा सेशन आज का अब क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं एक बार आपके सामने वहां लेकर के जा रहा हूं आपको जो हमारी मेन वो थी यहाँ पे तो अब एक बार वापस आइए इधर इस स्लाइड को ध्यान से देखिए हमने हमारे भारत का जो प्राचीन इतिहास है इसके स्रोत हम पढ़ रहे थे इसके सोर्स कहाँ से हमें जानकारी मिली वो हम पढ़ रहे थे तो हमने देखे दो एक साहित्यिक स्रोत था एक पुरातात्विक था पुरातात्मिक में जो हमें अभिलेख ये उत्खनन से सिक्के मूर्ति ये सब मिलती है वहां से हमें जानकारी वो तो साफ है इसके अलावा हमने साहित्य स्रोत में हमने धार्मिक साहित्य पढ़ा जिसमें हमने इनको ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत रखा जैन साहित्य के बारे में जाना बौद्ध साहित्य के बारे में जाना यहाँ से हमें किस प्रकार जानकारी मिलती है है ना इतिहास के बारे में ये धर्मेतर साहित्य के अंतर्गत हमने कौटल्य के अर्थशास्त्र देखा राज तिरंगणी अष्टाध्याय मुद्रा राक्षस ये सब और यूनानी वृतांत में हमने अलग अलग नाम देखे यूनानी वृतांत में हमने किस किस के नाम देखे जरा एक बार रिकेप करो तो हमने इसमें यूनानी वृतांत में सबसे इंपोर्टेंट तो हमने मेगास्थनीज देखा मेगास्थनीज और कौन कौन देखे हमने यूनानी में स्ट्रेबो देखा था स्ट्रेबो और कौन देखा था हमने इसमें प्लूटार्क की बात करी थी प्लूटार्क और किसके बारे में बात की थी प्लीनी किसके बारे में बात की थी प्लीनी के बारे में बात की थी इसके अलावा एक टॉलमी है ना टॉलमी ये सब लेखक जो थे ये यूनानी थे यूनानी लेखक थे जिनको क्लासिकल लेखक भी कहा जाता है है ना फिर चीनी साहित्य में हमने बड़े बड़े चार नाम बताओ फटाफट -फर्ट से तो एक था फायान के बारे में बात की फाइयान के बारे में बात की एक हमने सुंगयून के बारे में बात की सुन एक हमने हेनसांग के बारे में बात की हेन सांग और एक हमने इतसिंग इत सिंह के बारे में बात की और ये यह सीक्वेंस यही है इनका सिंहली साहित्य में हमने क्या बात करी सिंहली साहित्य में मैंने दो वंश बताए एक दीप वंश और एक महावंश जिसमें अलग अलग चर्चाएं की गई और फिर नेपाली साहित्य में मैंने कहा दिव्यदान एक प्रमुख पुस्तक है इनकी दिव्य दान इसके दो खंड हैं अशोकावदान और कुणालक तो ये था हमारा सेशन तो ये हमारे जो हमारा प्राचीन भारत के इतिहास के जो सोर्स है वो हमने समझा है ठीक है तो यहां तक क्लियर है आप सभी को तो तैयार है आप कुछ क्वेश्चन हम करने वाले हैं तो एक बार कमेंट करके बताओ कि साहब यहां तक कोई डाउट नहीं है और अब आप देखते हैं आपने कितने ध्यान से क्लास को देखा है तो उस आधार पर आपके क्वेश्चन आगे मैं रखने वाला हूं तो तैयार है आप सभी एक छोटा सा क्विज के लिए फटाफट से कमेंट करके बताइए चलिए ठीक है तैयार है काजल जी सोनम जी बाकी सभी एक बार कमेंट करके बताइए आप लोग चले वेरी गुड प्रिया जी भावना जी रितु जी चलिए स्टार्ट करते हैं क्विज तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने चीनी यात्री सुंगयू ने भारत यात्रा की थी ये है आपके बिहार पीसीएस में पूछा गया प्रश्न ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे के सारे देखो कैसे क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं ठीक है थीके?

दूसरा प्रश्न हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी तो बताओ भाई ये देखो आपके ऑप्शन है, है तो हर्षवर्धन के टाइम पर कौन आया था तो ऑप्शन इसका बी होगा हेनसांग ये आया था हिंदांग के टाइम पर हर्षवर्धन हिंदांग के टाइम पर यहां पर आया था हिंदसांग के बारे में हमने बोला इसका नाम चुआंग भी इसकी पुस्तक सी यू की भी है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इंडिका के लेखक कौन था इंडिका बताओ भाई इंडिका के लेख, लेखक कौन है विष्णुगुप्त मेगस्थनीज डायमेकस या फिर प्लेनी तो बताओ इंडिका पुस्तक के लेखक क्वेश्चन सिंपल है टॉपिक ही सिंपल था ये तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है तो साहब की है इंडिका है ना इंडिका मेगस्थनीज की है नेक्स्ट देखो कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है तो कल्लड़ की अर्थशास्त्र है इंडिका है पुराण या राज तो क्लियर है कलहड़ की राजतरंगणी कलड़ की राज, की राज चार का डी कौटल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है बताओ भाई ये बात भी मैंने की थी कौटल्य का जो अर्थशास्त्र है ये कितने अधिकरणों में विभाजित है मैंने कहा था ना कि कितने खंडों में ये हमें या अधिकरण में विभाजित था अर्थशास्त्र कौटल्य का तो कितना कितना आंसर है इसका पंद्रह मैंने बोला था पंद्रह आंसर है ना पंद्रह अधिकरण में विभाजित था अर्थशास्त्र जिसमें मैंने बोला था साम शास्त्री थे जिन्होंने इसका अनुवाद भी किया था पंद्र। उन्नीस सौ पंद्रह में इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ये भी क्वेश्चन पूछा गया है मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है तो मुद्रा राक्षस जो है अभी मैंने बताया था विशाख दत्त की दो पुस्तकें बताई थी एक मुद्रा राक्षस और एक देवी चंद्र गुप्तम तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा विशाख दत्त की है मुद्रा राक्षस ठीक है इसके अलावा नेचुरल हिस्ट्री नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है तो मैंने अभी ये भी बोला था मैं आपको एक हिंट दे सकता हूं कि ये एक जो है एक यूनानी लेखक है ये जो भी है एक यूनानी लेखक है अब साहब यूनानी लेखक तो टॉलमी भी है और प्लेनी भी है तो मेगेस्थनीज को हटा दो है ना और ये मेकर्स को भी हटा दो तो अब आपके सामने अब क्या बचता है टॉलमी और प्लेनी और टॉलमी के बारे में हमने कौन सी बात करी थी जियोग्राफी की और प्लेनी के बारे में तो ये था हमारा सेशन आज का ठीक है जिसमें हमने सिर्फ ये बहुत बेसिक टॉपिक था ठीक है तो किसी का कोई डाउट है तो अपना डाउट आप पूछ सकते हैं ठीक है ठीके? और अगर किसी का कोई डाउट नहीं है तो आप डन लिख करके कमेंट कर सकते हैं ठीक है कोई भी आपके क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं अपने आपके अपने कोई डाउट है कोई क्वेश्चन है आपके तो अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं ठीक है ऑल क्लियर है सुनील जी क्लियर है सभी को भावना जी अर्चू कोहली जी नेहू जी सोनम जी अंकित जी काजल क्लियर है तो ये इतने ही डीपली हम आगे चलेंगे और पूरे इतिहास को समझेंगे बहुत मजा आएगा आपको क्योंकि आज का थोड़ा टॉपिक थोड़ा सा था बोरिंग टाइप का था लेकिन जो आगे की जो इतिहास है ना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला बहुत मजा आएगा आपको धीरे धीरे और तो ज्यादातर मजा पता कब आता है जब हम वैदिक काल से आगे बढ़ेंगे जब जैन धर्म से हम शुरू करेंगे ना तब मजा आएगा क्योंकि तब कहानियां सुनने को मिलेगी आपको पर उससे पहले थोड़े हमें जैसे सिंधु घाटी सभ्यता इनके बारे में थोड़ा जानकारी वाले सोर्स वाले हैं तो थोड़ा बोरिंग आ सकती है बट चलेगा ठीक है पीडीएफ मिलेगी क्या बसंत जी कह रहे हैं। बिल्कुल ये सेम टू सेम ये जो है ना कुछ चीजें छूट जाती है वही मैंने कहा ना देखो कुछ चीज मैंने मिठाई है बीच में तो वो छूट जाती है तो अगर आपने क्लास को खुद से नोट्स नहीं बनाओगे तो थोड़ा ये चीजें छूट सकती हैं बाकी जो ये पूरी की पूरी पीडीएफ है जो ऐसा है इसको मैं सेम टू सेम वहां पर अपलोड कर दूंगा आपके लेक्चर के साथ अप्लीकेशन में ही मिलेगा आपको ये ठीक है वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकेंगे तो हर क्लास की पीडीएफ हम वहां पर अपलोड कर दिया करेंगे आप उसको इजिली जो अपना रिविजन के लिए कर सकेंगे ठीक है तो कोई डाउट नहीं किसी का नेहा मनीष जी क्या करें आप दोबारा अपनी क्वेश्चन को लिखे मैं पढ़ नहीं पाया आपका क्वेश्चन क्या था चलिए कोई बात नहीं अगर किसी का कोई ऐसा क्वेश्चन है तो आप देखो हमारा ग्रुप में भी अपना क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है ठीक है और ग्रुप भी आपका बना हुआ है ठीक है तो चलो अभी के लिए इतना ही रखते हैं बाकी आप 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 आप, आप, आपकी क्लास शेड्यूल आपको पता ही है उसमें आप मिलते हैं ठीक है चलिए बाय बाय टेक केयर डे